दक्षिण भारत का द्वार विशाखापट्टनम। बंगाल की खाड़ी इसके साथ करती है अठखेलियां। तो हरे भरे पहाड़ बढ़ाते हैं इसका सौंदर्य। अगर आपको प्रकृति के बीच हॉलिडे मनाना पसंद है तो विशाखापट्टनम आपके लिए परफेक्ट जगह है। आप यहां हिल्स के साथ साथ समंदर का भी मजा ले सकते हैं। विशाखापट्टनम जो कि देश का सबसे पुराना बंदरगाह है, ये एक इंडस्ट्रियल शहर है। वहीं ये आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। आपको ये बताएं कि बहुत ही साफ सुथरा ये शहर आपको दिखता है और खूबसूरत भी है। एक तरफ बंगाल की खाड़ी है तो दूसरी तरफ ये जो है चारों तरफ से ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो अपने आप में ये शहर जो है, इस शहर को प्राकृतिक खूबसूरती बहुत मिली हुई है। वहीं यहाँ के लोग भी जो है इसको साफ सुथरा और सुंदर बनाए हुए हैं। प्राचीन काल से विशाखापट्टनम देश का सबसे बड़ा बंदरगाह रहा है। इसी विशाखापट्टनम से होते हुए चोल शासकों ने इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड जैसे देशों को अपने साम्राज्य में मिलाया। मैं अभी अपनी फैमिली के साथ विशाखापट्टनम यानी वाइजैग घूम रही हूँ। मेरे पीछे है मेरे जीजा जी, मेरी दीदी और ये है हमारी फैमिली की सबसे प्यारी सदस्य हिमानी। और हम लोग अभी विशाखापट्टनम घूमने जा रहे हैं और यहाँ पे 3 दिनों का स्टे है। और हम यहाँ पर समंदर किनारे जो है सबसे मेन अट्रैक्शन होगा। इसके अलावा हम मार्केट भी देखेंगे, आसपास की जो पहाड़ियाँ हैं वो देखेंगे, बे ऑफ बंगाल के जो पॉपुलर बीचेस हैं वो भी आपको दिखाएंगे। तो विशाखापट्टनम के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। विशाखापट्टनम में घूमने के लिए कई फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। आप यहाँ नरसिम्हा टेम्पल भी देख सकते हैं। ये विशाखापट्टनम से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऋषिकोंडा बीच से आप बंगाल की खाड़ी की खूबसूरती को निहार सकते हैं। कैलाशगिरी मंदिर भी आप घूमने जा सकते हैं। शिव और पार्वती का ये मंदिर विशाखापट्टनम से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वाइजैग में स्थित लाइट हाउस भी पर्यटकों की पसंदीदा जगहों में से एक है। आर्को वैली विशाखापट्टनम से 135 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ आप दिलकश नजारों का मजा ले सकते हैं। सबमरीन म्यूजियम एक पनडुब्बी के अंदर है। ये भारत की 5वीं पनडुब्बी कुरुसुरा है। ये संग्रहालय आर्के बीच पर स्थित है। विशाखापट्टनम का खूबसूरत हिल स्टेशन है डॉल्फिन हिल। यहाँ डॉल्फिन नोज नाम की एक जगह है जहाँ भारी संख्या में पर्यटक आते हैं। यहाँ से आप पूर्वी घाट का खूबसूरत नज़ारा भी देख सकते हैं। विशाखापट्टनम की 3 दिनों की यात्रा के दौरान मुझे डॉल्फिन हिल में रहने का मौका मिला। यहाँ मेरे रिश्तेदार रहते हैं।
विशाखापट्टनम के पहले दिन की यात्रा के दौरान हम येरेडा बीच गए थे, जिसका नज़ारा हमने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था। दूसरे दिन शाम के वक्त हम घूमने निकले, क्योंकि विशाखापट्टनम में अच्छी खासी गर्मी पड़ रही थी और हमने आरके बीच की ओर रुख किया। आज मैं जा रही हूँ विशाखापट्टनम के आरके बीच पे और वहाँ आज हम फन करने वाले। मेरे साथ मेरी फैमिली है, मेरी दीदी है, मेरे जीजा जी हैं। फिलहाल हम हैं आरके बीच पे। ये विशाखापट्टनम का बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। समंदर किनारे लोग यहाँ अच्छा वक्त बिताने आते हैं। साथ ही आपको ये बता दें कि यहाँ पर समंदर के किनारे किनारे बहुत अच्छी सड़क है। आरके बीच पर काफी भीड़ थी, बहुत सारे लोग यहाँ संडे की वजह से आए हुए थे। शाम तक हम यहाँ रुके और लहरों के बीच हमने काफ़ी समय बिताया। तो यहाँ हम समंदर किनारे बैठे हैं, ठंडी हवा का मज़ा ले रहे हैं। आरके बीच के बाद हम पासी में लगे एक शिल्प मेला में पहुंचे, जहां देश विदेश के कई सारे कलाकार आए थे और वहां उनकी कलाकृतियां देखने को मिली। वहां हमने काफ़ी शॉपिंग भी की। डॉल्फिन हिल वाइजैक का सबसे खूबसूरत इलाका है। यहाँ पहाड़ के साथ साथ समंदर भी है और हमने सोचा तीसरा दिन हम यहीं बिताएंगे। डॉल्फिन हिल के जस्ट नीचे जो बीच है, जिसको येरेडा बीच कहते हैं, हम वहाँ पहुँचे और हम वहाँ बहुत देर तक समंदर किनारे रहे। येरेडा बीच सबसे खूबसूरत बीचेस में से एक है। यहाँ समंदर की लहरें बहुत तेज है, वहीं पानी बिल्कुल साफ है। येरेडा बीच की गिनती देश के सबसे खतरनाक बीचेस में होती है। यहाँ समंदर की लहरें बहुत तेज होती हैं और लोगों के डूबने का भी डर बना रहता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं तो मेरा ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए।